बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी वर्ल्ड इन्फो। फ्रेंड्स, सबसे पहले जिन भाइयों ने मेरे चैनल इजी वर्ल्ड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और आप मेरी हर वीडियो को मिस ना करें, देख लें, क्योंकि आपके लिए हर अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है ना मेरी मेरे चैनल में, मेरी वीडियो में मौजूद होती है। तो मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया है कि रईस भाई, 3 महीने का विजिट वीज़ा जो है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि 3 महीने का विजिट वीज़ा दुबई का आप कैसे हासिल कर सकते हैं। वैसे तो जो है ना, देखा जाए तो दुबई ने 3 महीने का विजिट वीज़ा बंद कर दिया हुआ है। अब दुबई का 1 महीने का और 2 महीने का वीज़ा जो है ना वो इशू होता है, और आप उसी पे जाके वहाँ पे घूम फिर सकते हैं या अपने लिए काम वगैरह ढूंढ सकते हैं। वैसे तो दुबई यूएई ने जॉब सीकर वीज़े जो है ना वो निकाले हैं काम ढूंढने के लिए। जो विजिट वीज़े होते हैं वो सिर्फ सैर व तफरी के लिए होते हैं, और आप विजिट वीज़े पे जाके वहाँ पे काम ढूंढते हैं, चलें कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे अगर आप विजिट वीज़े पे जाके काम मिलता है तो आप काम बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अगर आप काम करेंगे वहाँ पे तो आप पकड़े जाएंगे, आपको फैन होगा, आपको सज़ा होगी, और आप ब्लैक लिस्ट होके वहाँ से अनलीगल होके वापस आ जाएंगे। तो आपका नुकसान ही है, फ़ायदा कोई नहीं है। तो अगर आप विजिट वीज़े पे जाते हैं तो ये कोई भी काम ऐसा नहीं करें। अगर आप जाते हैं जॉब सीकर वीज़े पे तो आप काम ढूंढें, काम ढूंढ के तो अपना वीज़ा लगवाएं और आप जो भी काम चाहें कर सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक की तरफ, जो भाई ने पूछा है। भाई ने पूछा है कि रईस भाई, 3 महीने का जो विजिट वीज़ा है दुबई का वो चाहिए, वो उसकी इन्फॉर्मेशन दें, वो कैसे मिलेगा। तो मेरे भाई, 3 महीने का विजिट वीज़ा जो है वो, अगर आपका कोई भाई कज़न वहाँ पे मौजूद है यूएई में, तो वो निकलवा सकता है। उसको विजिट वीज़ा 3 महीने का निकलवाने के लिए 1,000 जो है ना वो एज अ वारंटी वहाँ पे करना पड़ेगा। वो जब आप वापस आ जाएंगे तो उसको वापस मिल जाएगा। इसके अलावा 770 दिरहम जो है 3 महीने के विजिट वीज़े की फ़ीस है। ये मकतब की फ़ीस डाल के, जो टाइपिंग सेंटर होते हैं उसकी फ़ीस डाल के 770 दिरहम फीस 3 महीने के वीज़े की है। टोटल 1770 दिरहम जो है ना आपका खर्चा आएगा। तो आपका 2-3 दिन में वीज़ा निकल आएगा। अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव मौजूद है तो वो आपका वीज़ा निकलवा सकता है, और आप जा सकते हैं वहाँ हैं वहाँ पे। उसको स्पॉन्सर वीज़ा कहा जाता है, स्पॉन्सर विजिट वीज़ा। तो वो 3 महीने का निकल आता है मेरे भाई। तो इसके अलावा मेरे भाइयों, अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर कोई भाई कमेंट बॉक्स में कोई सवाल पूछता है तो किसी दूसरे भाई को उस सवाल का जवाब है, पता है, तो वो कमेंट बॉक्स में उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई इस सवाल का ये जवाब है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो ज़रूरी नहीं कि मुझे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो। आप मुझसे पूछते हैं, मैं भी आगे इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, 1, 2, 3 बंदों से इन्फॉर्मेशन लेके जब अगर मुझे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, अथेंडिंग लगती है, तो फिर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। वैसे आपके साथ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर नहीं करता। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मुझे एक भाई ने कमेंट में पूछा, मुझे कहा कि रईस भाई, ई नंबर जो है ना वो श्रीलंका में और इंडिया में इशू हो चुके हैं, तो पाकिस्तान में आप इन्फॉर्मेशन लें अभी इशू हुए हैं कि नहीं, तो उस पर वीडियो बनाएं। मुझे, हमको सबको जो है ना इसकी बहुत ज़रूरत है इस वीडियो की, तो आप जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मैंने इन्फॉर्मेशन ली, मुझे जो है ना 2-3 ट्रैवल एजेंट्स हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी अभी पाकिस्तान में ऐसा कोई काम शुरू नहीं हुआ, जो ई नंबर रुके हुए थे वो अभी तक शुरू नहीं हुए, तो इसलिए जो है ना फिर मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई। तो ऐसे ही जब मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, अथेंटिक मिलती है, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल इजी वर्ल्ड इन्फो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासिनन से मिल सके। तो मुझे दें इजाज़त, आपका भाई रईस अली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।